वाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम उड़द धुली दाल और 250 ग्राम मूंग धुली दाल। इसको मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया है। ये देखिए इस तरह से अभी फूल गई है और अब हम इसको मिक्सी में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है इस तरह से, और जो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ना ज़्यादा बहुत पतला ना ज़्यादा बहुत गाढ़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ज़्यादातर जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे जो भल्ले हैं या बड़े हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते, उसके लिए केवल आपको एक ही ट्रिक अपनानी है। ये जो आपका पेस्ट है इसको आपने फेंटना है हाथ से इस तरह से, और वो भी एक ही डायरेक्शन में, 5 से 10 मिनट इसका आपको लगातार फेंटना है। इससे हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और आप देखना इस तरह से आप अगर दही बड़े बनाएंगे तो जो आपके बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको इसको लगातार फेंटना है। तैयार है, और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब मैं इसमें ये देखिए इस तरह से एक लेना है और इस तरह छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से आपको डालना है। इस तरह से अगर आप दही बल्ले बनाएंगे तो आपके जो दही बल्ले हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ये देखिए तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में आपको नहीं डालने हैं। ये देखिए तलते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए आपको जो तेल है वो इनके ऊपर इस तरह से डालते रहना है ताकि जो ऊपर से ये अच्छे सिक जाएंगे। उसके बाद इसको धीरे से पलटना है, और इसके बाद आपको जो गैस है वो मीडियम कर देनी है, क्योंकि ये जो अंदर से है वो अच्छे से पक जाए इसके लिए हमें थोड़ा गैस को सिम करना पड़ेगा, मीडियम मतलब, और धीरे धीरे इसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसको अंदर सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कितने अच्छे हमारे बने हैं, 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको सेकने में। देखिए हमारे जो ये बड़े हैं थोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन होने गए और दोनों तरह से अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे बड़े हमने तल लिए हैं। देखिए अब मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है एक भगोने में हल्का गुनगुना पानी। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच नमक, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा हींग, हींग चाहे तो कोई सा भी, 2 से 3 चुटकी हींग, और हम इसको पानी को अच्छे से मिला देंगे। अब इसके बाद हम ये बड़े जो हैं इस पानी में डाल देंगे। अब हम इसको पानी में अच्छे से इनको डिप कर देंगे, और कम से कम 2 से 3 घंटे हम इसको ढककर ऐसे ही रख देंगे ताकि जो हमारा पानी है इनके अंदर वो अच्छे से सोक हो जाए, अच्छे से ये डूब जाए इसके अंदर। हमारे जो भल्ले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको एक प्लेट में लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर ये पपड़ी, ये देखिए मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और इसको हम तोड़ के अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये दही, और इसके बाद हम डालेंगे ये मीठी सौंठ। ये देखिए फ्रेंड्स ये भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और सबसे लास्ट में डालेंगे हम ये चाट मसाला। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे जो दही बल्ले हैं बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।